नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं। आज मैं आप सभी लोगों को माता कालिका का, माता काली का साक्षात आदिशक्ति जगदम्बे का कह लीजिए, क्योंकि माँ के रूप अनेक हैं। जो जिस भाव से देखे मोको वह वस फल पावे, हृदय बसाए माए की मूरत तो काहे दुख पावे। यारे दर्शकों, ये जो बाल स्वरूप है माँ का, यानी हमारी कालिका माई, काली माई का ये जो बाल स्वरूप है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही चमत्कारी। साथ ही इस उपाय को, इस प्रयोग को करने वाला व्यक्ति कुछ दिनों में एक सिद्ध साधक हो जाता है। एक मंत्र से, एक उपाय से वो अनेक कार्यों को कर सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं दो चार दिन, पांच दिन, दस दिन, महीने खाण, 40 दिन में मैं चमत्कारी बाबा बन जाऊं, पुरुष बन जाऊं, तो इस ख्याल को भाई साहब छोड़ दीजिए। क्योंकि एग्जाम जैसे एक वर्ष, एक क्लास पास करने में आपको एक वर्ष लगता है कि नहीं लगता है, इसी तरीके से आपको हर एक प्रोसीजर, यानी माता जी के साधन संसाधन से जुड़ने के लिए आपको कड़े परिश्रम के साथ, कड़ी साधनाओं के साथ गुजरना पड़ता है। लेकिन आज की साधना कोई कड़ी नहीं है, कोई विशेष आपको बंधेज नहीं है, लेकिन इसको करने वाला सदैव सुखी रहता है और अपने समस्त प्रकार के कार्य को वो तुरंत ही अंजाम दे देता है। सबसे अच्छी बात है कि इधर आप किए उधर रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बगैर देरी किए अपनी बातों को रखूँ, उससे पहले मैं बता दूँ, कमेंट बॉक्स में कोई नंबर देता है, वो चाहे मेरा फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स हो, ऐसे लोगों से संपर्क मत करिएगा। ये साधना आप अपने घर में बाल काली का आप कर सकते हैं। विशेष कोई नियम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है तो जिस समय ये पूजन कार्य करें उस समय आपका ध्यान अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि ये माता स्वरूप आपके सम्मुख ऐसा प्रतीत होगा कि माँ प्रत्यक्ष होकर मुझसे पूछ रही है कि बोल बेटा तुझे किस चीज की आवश्यकता है। ये भूत प्रेत साधना करने से बढ़िया सात्विक साधना करो, जिससे आपके चेहरे का तेज बढ़े, आपके कुल का तेज बढ़े, आपका यश धन धान सब वृद्धि हो, ना कि जिन भूत प्रेत यक्षिणी दक्षिणी ये सब सिद्ध करने के पश्चात सिर्फ और नरक 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 योनि में जाओगे और आपकी एक क्षमता इतनी ही रहेगी। ठीक है, आप बड़े साधकों को नहीं पा पाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें तो आप दिखा लेंगे, लेकिन कोई बड़ा मिल गया तो आपको ऐसे जैसे अजगर बड़े सांप को निगलता वैसे निगल जाएगा। तो क्यों ना, अगर इस लाइन में आ रहे हो तो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो टॉप का इंजीनियर बनो, चोर बनना चाहते हो तो एक ग्रेट होना चाहिए चोर का, कि आपका कोई जवाब ना हो। आप एक वकील बनना चाहते हैं तो बीच वाला मत बनो, फाड़ दो। हाँ, फिर मेरा जैसा वकील लोग हैं भाई, वकील वो है। सिंगर बनो तो खूब मेहनत करो, रियाज करो, दिखा दो लोगों को अपने गले की मुरोग का तमाशा। इस तरीके मैं कहता हूं, अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, तो टाइम पास के लिए बिल्कुल मत जुड़िए। टाइम पास के लिए सब्सक्राइब करें हो तो इनको अनसब्सक्राइब करो और जाके बहुत सारे एंटरटेनमेंट है वहां देखो। मैं उन लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं जो हमारी वीडियो को देखते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इस साधना को, इस प्रयोग को किस दिन से करना, शुक्रवार से आपको करना। शुक्रवार को अपने घर में काली जी की एक छोटी सी मूर्ति लाइए, बाल स्वरूप, काले आसन पर बैठाइए, उनको पंचोपचार पूजन करने के बाद
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दिया जा रहा, उसकी आपको कितनी 11 माला, छोटा है मंत्र, काले रुद्राज की माला से 11 माला डेढ़ घंटे के अंदर हो जाएगी, ठीक है। 11 माला एक बार में करने पर, जैसे एक बार मुझे कोई काम करना है तो 11 माला एक दिन करके हम कपूर जलाकर माताजी से विनती करके आरती करकर और एक जायफल उसको तोड़ देना मुक्के से। जायफल आती काली वाली, पूजा वाली, एक आती है खाने वाली, खाने वाली नहीं जो मसाले में पड़ती, पूजन वाली, छिलके वाली, उसको एक मुक्के में तोड़ देना, माताजी का प्रसाद हो गया। माताजी को भोग में बाल स्वरूप में ध्यान रखिएगा, हलवा पूड़ी ही देना, गुड़ का हलवा और मीठी पूड़ी गुड़ की ही बना लेना। जायफल, लाल फूल चढ़ेगा, धूप बत्ती, यही नॉर्मली चीज़ और कुछ भी नहीं है। दक्षिण तरफ मुँह करना है, आसन कुश का ले लेना या काले कंबल का। अब इसके लिए आप बड़े साधक बनना चाहते हैं कि इनकी कृपा बाल काली का मेरे ऊपर हो जाए, इनको छोटी काली भी बोलते लोग, छोटी काली लंबा केस, बड़ा लंबा केस रहता है, ठीक है। तो इसका 40 दिन तक का 11 माला जाप करते रहें, 40वें दिन इनका हवन कर देना दशांश, यानी 10 11 माला डेली रहेगी, टोटल 40 दिन करना है आपको, ठीक है। 40 दिन करने के बाद 40 दिन का जो टोटल जाप होगा, जितनी माला होगी उसका आप 10वां भाग हवन कर देंगे काला तिल, गुड़, प्रचलित हवन सामग्री, आम की लकड़ी पे दक्षिण मुख होके त्रिकोण ये हवन बना के, चार कोण वाला नहीं रहेगा, चतुर्भुज, त्रिभुज बनाकर हवन कर देना। अब इसमें ये नहीं कि माताजी त्रिशूल लेके प्रकट भई बोल, फिल्मों वाली माताजी नहीं है ये, छोटी काली है। आप ये जब साधना करोगे, जब साधना करने के पश्चात आप देखेंगे साधना के बीच में ही आपको नाना प्रकार के स्वप्न के द्वारा कभी कभी प्रत्यक्ष कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं जाप कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई खड़ा, मेरे पीछे कोई खड़ा है, ऐसी कन्या जिसके चेहरे पर दिव्य तेज है, ऐसी कन्या जिसकी जटाएँ बड़ी हैं, ऐसी कन्या जिनके माथे पर बड़ा सा सूर्य समान एक रोली का सिंदूर का टीका बना हुआ, ऐसी माता जिनके हाथ में एक दिव्य त्रिशूल है, एक हाथ में खड़क है, ऐसी माता जिनके चेहरे पर एक गजब का प्रकाश है, ये देखने को मिलेगा। जब ऐसा मिले तब माता को प्रणाम करते रहिए। कोई वचन वचन हमारी आपकी औकात ही नहीं इनसे वचन लेने का, सिर्फ जब भी ध्यान करें बस ध्यान करो कि हे माँ आप इसी स्वरूप में मुझे दर्शन देकर मेरा काम कर दिया करें। 40 दिन में आप इसके मालिक हो जाएंगे। जब भी कोई काम करना होगा सिर्फ इसी मंत्र को बोलकर आप माँ को बोल दिया करेंगे, कपूर जला दिया करेंगे, इसी को मंत्र को पढ़कर फूंक कर जिसको दे देंगे सही हो जाएगा। इसी मंत्र को पढ़कर आंख बंद करेंगे तो आपको सामने वाले की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, सब कुछ पता चल जाएगा। इसको करिए, लाभ उठाइए। बहुत नियम नहीं इसके अंदर कि आप कुछ खाइए, कहीं जाइए, कुछ करिए, इसके कोई मतलब नहीं। ये सावरोक्त है, सावरोक्त में ये जो है ये एक हम लोग बोलते हैं गेगुरा, गेगुरा मतलब होता है कि एक बहुत प्राचीन ये विद्या है गेगुरा। चूँकि पहले क्या था, हम लोग माशा भूल गए, माशा से नीचे रत्ती, दड़िम, कौड़ी, ये सब भूल गए, नापाच कहीं है, इसी तरीके से इन विद्याओं की एक जनजाति थी, तो इसी प्रकार ये यहाँ से प्राप्त हुई विद्या है। इसको करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में हैं। और ध्यान है, तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे किसी को एक रुपये ना दे। शीघ्र ही आपको मैं बता दूं कि हमारा एक आश्रम, हमारा एक दरबार लगने जा रहा, जहां आप सभी लोगों को एक साथ बैठा के जो माँ की कृपा होगी, जो माँ चाहेंगी वो आप लोगों को मैं बताऊँगा, और ये निःशुल्क रहेगा। आप लोग निःशुल्क आइए, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। हमारे यहाँ भंडारा भी निःशुल्क रहेगा, आपका देखना निःशुल्क, ट्रीटमेंट निःशुल्क रहेगा। कैसा लगा? अच्छा, सही रहेगा तो मुस्कुराइए, और हमारी वीडियो के साथ अपना आशीर्वाद भी कमेंट में जरूर दीजिए। जय श्री राम, हर हर।